का खबर अब करते हैं, आपको बताएं कि सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड महकमा सेहत लोधरा की जाली मेडिसिन फैक्ट्री पकड़ी गई जो बगैर लाइसेंस चलाई जा रही थी। मुलजिम भी गिरफ्तार, लाखों रुपए की अद्वियात भी कब्जे में ले ली गई। भावलपुर इंतजामिया को जाली फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन में उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब मुसी कॉलोनी में वाकई मकान पर छापा मारा गया। जैली मेडिसिन तैयार की जा रही थी, असिस्टेंट कमिश्नर राव तस्लीम अख्तर ने अपनी टीम के साथ कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजिम अतीकुर रहमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए की मुबैना जाली अद्वियात भी कब्जे में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया। महकमा सेहत के अफसरान को बार बार मौके पर बुलवाने की कोशिश भी की गई मगर घंटों गुजर जाने के बाद भी वो मौके पर ना पहुंचे। थाना बगदादुल जवेद में कैद मुलजिम हाफिज अतीकुर रहमान ने मीडिया को बताया कि फैक्ट्री उनके वालिद के नाम है और उनका जुर्म ये है कि वो सरकारी मुलाजिम है। हर बिल मेडिसिन तैयार करने वाली फैक्ट्रियों को ड्रॉप में लिस्ट किया गया है मगर पूरे पाकिस्तान में किसी को आज तक लाइसेंस जारी नहीं किया गया। वो हुए थे और सारा क्लियर हुआ था कि इस तरह का मेरा कोई मामला नहीं, वो केस के फैसले होके सारे खत्म हो गए कि इस तरह का कोई भी मेरा कंसर्न नहीं था। जितना भी था वो अच्छा खासा उसको सॉर्ट किया गया, डीपली सॉर्ट किया गया और कोई भी चार्ज साबित नहीं हुआ। ठीक है, वो खत्म हो गया केस, वो सारे कब के खत्म हो चुके हैं। अपना हमारा ब्रांड नहीं है, हमारा ब्रांड नहीं है टॉल मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि टॉल मैन्युफैक्चरिंग की भी ड्रैप इजाजत देती है। जिन लोगों का कर रहे हैं उन लोगों के तमाम कागजात ड्रैप के अंदर टॉल मैन्युफैक्चरिंग में जमा है, वो सारे के सारे टॉल मैन्युफैक्चरिंग के भी मैंने दिखाए हैं कि टॉल मैन्युफैक्चरिंग की उनकी फाइलें ड्रैप में भी जमा है। इवन एमओयू तो पहली चीज है ना, सेकेंड चीज उन्होंने उनकी तमाम फाइलें टॉल मैन्युफैक्चरिंग में ड्रैप में भी। मजीद खबरें भी